अल्हम्दुलिल्लाह से तैयारी वगैरह हो गई है ऑफिस से आने के बाद, और मैंने तभी वीडियो नहीं शूट करी क्योंकि बाहर सब लोग होली खेल रहे थे, तो इसीलिए मैं घर में ही थी, मैंने कुछ शूट नहीं की। अभी बाहर की जो है साफ़ सफाई वगैरह हो गई है, अभी रात को होली जलाने वाले हैं यहाँ पे। हम लोगों ने तैयारी वगैरह कर ली है, मम्मी ने पानी भी भर लिया, अभी मम्मी छोटा मोटा सा काम कर रहे हैं, भाई जो है नमाज गया है, और मैं भी कुछ आज स्पेशल कर रही हूँ थोड़ा। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और ऐसा कुछ स्पेशल वाला नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल जो अभी अवेलेबल है मेरे घर पे उन चीज़ों को लेके मैं बना रही हूँ। तो गाइस चलो देखते कैसे बनता है। जो मैंने सामान लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी, फिर हम बनाते हैं। ओके, एक बॉल ले लिया है, खाली बॉल, और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके यहाँ पर रखा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड कलर, दही को फेंट लिया है अच्छे तरीके से, मसाला, और मिर्ची है इसमें, मिर्ची अदरक लहसुन तीनों है, ये थोड़ा सा मैं डालूंगी क्योंकि इसमें मिर्ची जो है पीसी हुई है, शेजवान चटनी, आधा नींबू, नमक और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। सो इन सब चीज़ों को मिलाते हैं अभी। इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है चिकन को मैरिनेट करने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से मैरिनेट कर फिर इसको फ्राई करते हैं, और काफ़ी अच्छी फ्राई होगी। एक्चुअली हम लोगों को इसको लगा के अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है 1 to 2 hours के लिए, फिर इसको डीप फ्राई करना है, एकदम गरम गरम तेल में हम लोगों को इसको फ्राई करना है। सो पॉसिबल नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मेरी मम्मी कैसे फ्राई करेंगे, या तो मैं ही फ्राई कर दूँगी अगर मुझे टाइम रहेगा तो। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस अभी चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। ये खाली बॉल, इस बॉल में मैं ले लूँगी दही। इस दही को जो है मैंने फेंट ली थी अच्छी तरीके से, ये हो गया मेरा दही। दही लेने के बाद में मैं लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 spoon, मिनिमम इतना मैंने पेस्ट लिया है 1 spoon, और अभी जो है ये मसाला, इस मसाले को मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं, इतना क्वांटिटी में मैंने लिया है 1/2 tablespoon, और जो कुछ भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे हल्दी, मिर्ची और नमक, इन तीनों को डाल देंगे इसके अंदर। नींबू का जो है हमारे पास में ये स्क्वीज करने वाला है, तो मुझे अपने हाथ खराब करने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी मम्मा ने ला के रखे हैं ऑलरेडी। सो आधे नींबू का रस। अब जो है मैं लूँगी ये मिर्ची, इसमें मैंने आप लोगों को बताई, इसमें है हरी मिर्ची, कोतमीर और लहसुन। सो ये थोड़ा सा ले लेंगे टेस्ट के लिए, थोड़ा स्पाइसी होने के लिए, स्पाइसी होल्डी के लिए मैं शेजवान चटनी का भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है मेरी शेजवान सॉस, शेजवान सॉस मुझे पसंद है इसलिए, तो मैंने इतनी सॉस ले ली हूँ। अब जो है इसे करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। और हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा जो है फूड कलर, रेड कलर का फूड कलर है हमारे पास, थोड़ा सा लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं। ये हो गया हमारा कलर, क्योंकि कलर डालने से कैसे थोड़ी सी खाने में रौनक आ जाएगी, रेड रेड कलर का दिखेगा, माशाल्लाह टेस्टी लगेगा खाने में। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, अंडा भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लावर, मैदे का आटा जो होता है वो भी डाल सकते हैं, बट अभी जो है मुझे जल्दी जल्दी करना है, इसको मैरिनेट भी करना है, सो मैंने जो है इतना सा ही सामान जमा किया घर पे, जो जो अभी अवेलेबल था वो, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई ये ना रहे, चीज़ मिक्स ना हो, ऐसा ना हो। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरी बात है, आपकी जो चिकन है वो छोटी छोटी पीस में रहना चाहिए, ये ठीक है, इतना पीस ठीक है, ये मिक्स हो चुका है, सो इसको डाल देंगे इसमें।
और जैसे कि आपके पास में कोई बड़ा पीस है, अगर इतना पीस है तो आप उसमें कट लगा लें, इस तरीके से इसको कट कर लें ताकि इसके बीच में भी जो है मसाला पूरी तरीके से चला जाए। तो इसको एक कट लगा दिया है मैंने, इसमें भी एक छोटा सा पीस को मैं कट लगा लेती हूँ। और हाँ, ध्यान रखें चिकन को वॉश करने के बाद में इसमें जितना भी पानी है वो पानी सारा आप निकाल लें, चिकन में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग चिकन के पीसेज रख सकते हैं, मीडियम या तो बड़े, हम लोगों को मीडियम ही पसंद है, मीडियम मतलब ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं, इतने इतने पीस मिनिमम। तो इसको भी मैं कट लगा लेती हूँ, अभी इस तरीके से कट लगा लीजिए। और ये बोनलेस चिकन नहीं है, ये हड्डी वाली चिकन है। मसाले डाल देती हूँ उसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 2 to 3 hours के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने चिकन का पानी निकाली थी, फिर भी इस चिकन के अंदर जो है इतना पानी निकला है। सो पानी रहेगा तो फिर पानी का टेस्ट होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चिकन को अच्छे से उसका पानी जो है निकाल लेना है। सो इसको अच्छे से अभी मैरिनेट कर देंगे, मैरिनेट करने के बाद में इसको हम फ्राई करेंगे। गाइस, मैंने स्पून से मिक्स करी थी बट वो इतना प्रॉपर हुआ नहीं, सो मुझे फाइनली इसमें जो है अपना हाथ डालना पड़ा। सो हाथ डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में जो है मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि वो लोग स्पून से मिक्स करते ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को जो है देसी तरीका यूज़ करना पड़ेगा। देसी तरीका ये होता है कि आप लोग अपने हाथों से ही काम करें। सो अच्छे से मिक्स होगा, अच्छे से मैरिनेट होगा। गाइज, मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, उस दिन पे भी हम गए थे अंधेरी, अंधेरी जाने के बाद में भी हम लोगों को वो बैग नहीं मिला जो मेरे भाई को पसंद था। सो अभी हम जा रहे हैं FS जाके देखते हैं उसकी पसंद का बैग हमें मिलता है या नहीं। और मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, अब देखते हैं मम्मी को टाइम मिलता है तो वो फ्राई कर देंगे, क्योंकि अब तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला और आने के लिए भी लेट हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। सो निकलते गाइज, बहुत लेट हो गया। सो गाइज, हम लोग जो है निकल चुके हैं घर से, अभी हम लोग पहुँचे हैं बांद्रा, हम जा रहे हैं FS और चलते आपको छोड़ के। ये कुछ व्यू हमारा घर का, हम लोग जब जा रहे हैं रोड पे तब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत प्यारी सी दरगाह है, बाहर का व्यू जो है काफी अच्छा है। भाई अभी हम लोग कहाँ पे हैं? दर में। तो ये पीछे अभी पता नहीं क्या आ गया, अभी हम हैं दादर में। मैं मेरे भाई के फोन से जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फोन में जो है स्पेस नहीं है, तो आवाज का अगर थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग गाइस प्लीज एडजस्ट कर लेना। और अभी हम लोगों को लग गया थोड़ा सा ट्रैफिक। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे और शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सामान जो है सारा बंद हो रहा है, सामान आई मीन शॉप। भाई जो है यहाँ पे खड़ा है, उसने कुछ पसंद किया अपने लिए, सो ये देख सकते हैं मेरा भाई है। और यहाँ पे जो है सारी थोड़ी थोड़ी शॉप्स चालू है, ये शॉप जो है बंद हो चुकी है। और जो हम लोगों को बैग चाहिए था वो बैग हम लोगों को नहीं मिला है यहाँ पे। हम जा रहे हैं अभी CST मोहम्मद अली रोड, वहाँ पे जाके देखते हैं उसे पसंद आता है या नहीं। गाइस, हम लोग पहुँच गए मोहम्मद अली रोड और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ की जो लाइटिंग है माशाल्लाह, देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, इतनी रौनक है यहाँ पे। Head northwest on Muhammad Ali Road towards Jamaica Street. In 400 meters, turn right onto Masjid Bandar Road, Yusuf Nihar Ali Road. ये नजारा देख के ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस। अभी तो जस्ट एंटर हुए हम लोग और जहाँ पे सारी खाने पीने की चीजें मिलती है वहाँ का भी मैं व्लॉग आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी देखो, ये सब देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ पे जो है इत्र की दुकानें हैं, लाइन से जो है इत्र की दुकानें हैं पूरी। और ये मेरे भाई का जो टकला है थोड़ा सा बीच में आ रहा है बिकॉज ऑफ गाड़ी चला रहा है अभी। सच में गाइस बहुत ही प्यारा नजारा है यहाँ का। गाइस, आप लोग सब जो है एक बार एटलीस्ट रमजान में आना चाहिए, यहाँ पे विजिट करना चाहिए, यहाँ से शॉपिंग करना चाहिए आप लोगों को। और अभी लोगों ने मुझे देखना स्टार्ट कर दिया है, फिर से ये लोग
देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। इसे कहते हैं रमजान की चहल पहल। यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो रही है, सब लोग जो है शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। व्यू देख सकते हैं गाइस आप लोग, चुके और रात के 1 बज रहे हैं। काफी ज्यादा थक गए हम लोग। आज के ब्लॉग को जो है यही एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। और बाय बाय गाइज, आप लोगों से मिलते हैं कल।